नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में देश भर में पुलिस कप्तानों की पूरी सूची जारी की गई है, जिसमें कुल मिलाकर 700 में से 50 पुलिस कप्तानों का चयन किया गया। हालांकि यह बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला पल इसीलिए भी है क्योंकि इसमें से 5 ऐसे पुलिस कप्तानों के नाम को शामिल किया गया है जो बिहार के हैं। कहते हैं लोगों में सुरक्षा की मजबूत भावना से ही समाज में तरक्की की संभावना बनती है। हालांकि लोगों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी SSP, SP, DSP, जिला पुलिस कमिश्नर की होती है, क्योंकि किसी भी राज्य की अगर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती है तो इसका असर वहां के विकास पर भी पड़ता है। बतौर पुलिस कप्तान सख्त कानून व्यवस्था को बहाल करने, रंगदारी रोकने, लूट डकैती और अन्य वारदात पर काबू करने और ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सुरक्षा मजबूत करने के साथ जनता का मनोबल बढ़ाने और अपराध पर अंकुश लगाने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इसमें भी बड़ी चुनौती है, पद की गरिमा बनाए रखते हुए कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना। यही कारण है कि हर साल फेम इंडिया की तरफ से ऐसे पुलिस कप्तानों को सम्मानित करने का काम किया जाता है जिन्होंने अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए काम किया है। इसी कड़ी में सर्वप्रथम फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट सर्वे ने विभिन्न स्रोतों ग्राउंड सर्वे के आधार पर टॉप 200 जिला पुलिस कप्तान, SP, SSP, जिला पुलिस कमिश्नर को चयनित किया, जिसमें 12 मापदंड क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, पीपल्स फ्रेंडली, दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, जवाबदेह कार्यशैली, अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता, सजगता, व्यवहार कुशलता आदि पर देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबुद्ध लोगों की राय, ग्राउंड और मीडिया रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया है। ये 200 जिला पुलिस कप्तान अपनी उत्कृष्टता के कारण देश भर में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन सभी अधिकारियों को 50 कैटेगरियों में बांटा गया है, फिर उनमें से 50 लोकप्रिय पुलिस कप्तान को अलग अलग कैटेगरी की सूची में पब्लिश किया जा रहा है, जिसमें बिहार के 5 कप्तानों के नाम शामिल है। सबसे पहला नाम है SP बिहार लिपि सिंह का। जनवरी 2021 में सिंह को राकेश कुमार की जगह सहरसा जिले का SP नियुक्त किया गया। इससे पहले लिपि सिंह मुंगेर जिला की SP रह चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लिपि सिंह एक भारतीय पुलिस अधिकारी हैं। वो 2016 बैच की IPS अधिकारी रह चुकी हैं। लिपि सिंह पूर्व IAS अधिकारी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी हैं। इस सूची में दूसरा नाम है शेखपुरा जिले के कार्तिकेय शर्मा का। कार्तिकेय शर्मा ने हाल ही में शेखपुरा जिले के SP नियुक्त किए गए हैं, जिसके तहत उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभालते ही अवैध बालू उत्खनन, स्पीडी ट्रायल, शराबबंदी, पुलिस और पब्लिक के बीच के संपर्क को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। SP कार्तिकेय शर्मा ने शेखपुरा जिले में अपराध कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगला इस सूची में किशनगंज के SP कुमार आशीष का नाम शामिल है। कुमार आशीष 2012 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्होंने अब तक के अपने कार्यकाल में किशनगंज जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को समय पर पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सूची में आगे नवादा जिले के SP धूरत साइली का नाम शामिल है। आपको बता दें, धूरत साइली सावला राम बिहार कैडर के 2010 बैच के IPS अधिकारी हैं। वो मानवीय स्पर्श के साथ अपने साहस, दृढ़ संकल्प और सख्त पुलिसिंग के लिए जानी जाती हैं। धूरत साइली महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने 2009 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें बिहार कैडर आवंटित किया गया। वो 2010 के IPS बैच के टॉपर्स में से थी। उनका जन्म और पालन पोषण मुंबई के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। धूरत को हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा चुनाव 2021 में उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। वो अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदार पुलिसिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से पहचाने जाने पर खुशी व्यक्त करती हैं। इस सूची में बिहार से आखिरी नाम मुजफ्फरपुर के SSP जयंतकांत का है। जयंतकांत साल 2009 के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं। इन्होंने बतौर SSP मुजफ्फरपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।